प्रश्नावली 1.1 उदाहरण 1 4052 और 12576 का SCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। अब इस सवाल में हमें 4052 और 12576 का SCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करना है। तो हमें जो है 4052 और 12576 का SCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करना है, जिसके लिए हम सबसे पहले ये चरण एक कर इसे लिखते हैं कि ये चरण एक। अब चरण एक करके हम यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ 12576, हमें जो दो संख्या दे रखी है 12576 और 4052, अब हम उन्हीं से ही सवाल को शुरुआत करते हैं कि यहाँ पर 12576 बड़ी है 4052 से, कि 12576 बड़ी है 4052 से, इसीलिए हम 12576 और 4052 पर, इसीलिए हम 12576 और 4052 पर यूक्लिड प्रेमिका का प्रयोग करके, यूक्लिड प्रेमिका का प्रयोग करके प्राप्त करते हैं। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि 12576 और 4052 पर यूक्लिड प्रेमिका का प्रयोग करके प्राप्त करते हैं, जिसके लिए हम 4052 का 12576 में क्या करेंगे, भाग देंगे, जो कि लगभग लगभग 3 बार जाएगा। तो ये 3 दूनी 6, ये थी 5 15 5, हासिल आई 1, फिर ये 3 का गुणा 0 करेंगे तो 0, और हासिल के 1 1, ये थी 4 को 12, और जब हम इसे घटाएंगे तो ये 6 में 6 गया तो ये 0, फिर इधर ये 7 में से 5 गया कितना बचेगा 2, ये 4 में से 5 में से 1 गया कितना बचेगा ये 4, और ये 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें जो शेषफल मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, ये 420 मिल रहा है। अब हम इसे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के रूप में जमा देते हैं कि भाज्य कितना हो गया हमारा, ये 12576 बराबर फिर भाजक 4052 गुणा भागफल, तो भागफल कितना हो गया ये 3, फिर प्लस शेषफल, तो शेषफल कितना हो गया ये 420। अब हमें जो यहाँ पर शेषफल प्राप्त हो रहा है वो कितना प्राप्त हो रहा है, ये 420 हमें प्राप्त हो रहा है, जो कि हमारा 0 के बराबर नहीं है। तो इसलिए अब हम आगे क्या करेंगे कि चरण 2, अब चरण 2 में हम क्या करते हैं कि यहाँ शेषफल 420 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर जो हमें जो शेषफल मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, ये 420 मिल रहा है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो फिर इसीलिए हम अब हम क्या करेंगे कि 4052 और 420 को लेंगे, तो इसीलिए हम 4052 और 420 पर यूक्लिड प्रेमिका का प्रयोग करके, यूक्लिड प्रेमिका का प्रयोग करके प्राप्त करते हैं। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि 4052 और ये 420 पर यूक्लिड प्रेमिका का प्रयोग करके प्राप्त करते हैं। अब हम 420 का भाग 4052 में देंगे, तो अब हम 420 का भाग ये 4052 में दे रहे हैं, जो कि लगभग लगभग ये 9 बार जाएगा। तो 9 का गुणा 0 करेंगे तो ये 0, 9 दूनी 18 की 8 हंसलाई 1, फिर ये 9 चौक 36 और कितना हो जाएगा ये 37, तो ये हो गया 3780। जब हम इसे घटाएंगे तो ये 2 तो हमारे वैसे के वैसे ही, इधर से खांसी ले लेंगे ये 15, तो 15 में 7 गया कितना हो जाएगा ये 7, यहाँ बचे 9, 9 में 7 गया तो ये 2, और ये 3 3 में 0 जाएंगे, 3 में 3 जाएंगे तो ये 0। तो हमारा जो शेषफल बचा है वो कितना बचा है, ये 272 हमें शेष बच रहा है। तो अब हम इसे भी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल के रूप में जमाते हैं, तो भाज्य तो हो गया ये हमारा 4052, फिर बराबर, फिर भाजक, भाजक हो गया ये 420 गुणा भागफल, भागफल कितना हो गया ये 9, फिर प्लस शेषफल, अब शेषफल कितना हो गया ये 272। तो यहाँ पर भी जो हमें 0 प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इसके लिए अब हम आगे चरण 3 करेंगे। तो चरण 3 करके हम यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ शेषफल 272 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पर जो हमें शेषफल मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, ये 272 मिल रहा है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसीलिए हम 420 और 272, इसीलिए हम 420 और 272 पर यूक्लिड प्रेमिका का प्रयोग करके, यूक्लिड
प्रेमिका का प्रयोग करके प्राप्त करते हैं। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि 420 और 272 पर यूक्लिड प्रेमिका का प्रयोग करके प्राप्त करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि 272 का भाग 420 में देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 272 का भाग हम किस में दे रहे हैं, ये 420 में दे रहे हैं, जो कि लगभग लगभग एक ही बार जाएगा। तो ये होगा 272 एकम 272, और जब हम इसे घटाएंगे तो ये 10, 10 में से ये 2 गए तो कितना बचेगा 8, यहाँ बचा 1, उधार ले लिया 11, 11 में 7 गए तो कितना बचेगा ये 4, यहाँ बचे 3, 3 में 2 गए तो कितना बचे 1। तो यहाँ जो हमारा शेषफल बच रहा है ये 148 बच रहा है, जो कि ये 0 के बराबर नहीं है। तो इसे भी हम ये भाज्य बराबर भाज्य पूरा मापफल के रूप में जमा देते हैं। तो ये हो गया भाज्य हमारा 420 बराबर 272 गुणा 1 प्लस शेषफल कितना हो जाएगा ये हमारा 148। ये भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के रूप में हमने इसे जमा दिया। अब यहाँ पर हमारा मान आ रहा है 148, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो इसलिए अब हम चरण 4 को सॉल्व करेंगे। तो चरण 4, अब चरण 4 में हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि यहाँ जो हमें शेषफल प्राप्त हो रहा है कि यहाँ शेषफल 148 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर जो हमें शेषफल प्राप्त हो रहा है वो कितना हो रहा है, ये 148 हो रहा है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसीलिए हम 272 और 148, तो अब हम कौन कौन सी संख्या ले रहे हैं, ये 272 और यहाँ से ये 148, तो इसीलिए हम 272 और 148 पर यूक्लिड प्रेमिका का प्रयोग करके यूक्लिड प्रेमिका का प्रयोग करके प्राप्त करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो इसलिए हम 272 और 148 पर यूक्लिड प्रेमिका का प्रयोग करके प्राप्त करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि 148 का भाग देंगे ये 272 में। तो जब 148 का भाग ये 272 देंगे तो ये एक ही बार जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 148 से कम 148, और जब हम इसे घटाएंगे तो ये 12, 12 में से 8 गए तो ये बचेगा 4, यहाँ बचे 6, 6 में से 4 गए तो ये 2, यहाँ बचे 2, 2 में से गया तो ये 1। तो हमारे पास जो शेषफल हमें प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है 124। अब हम इसे भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल के रूप में जमाते हैं। तो ये 272 हो गया ये हमारा भाज्य बराबर भाजक हो गया ये 148 गुणा भागफल हो गया ये 1, और शेषफल कितना हो जाएगा हमारे पास ये 124 हमें प्राप्त हो रहा है। अब जो हमें शेषफल 124 प्राप्त हो रहा है ये भी हमें ये 0 के बराबर प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इसके लिए अब हम आगे चरण 5 को सॉल्व करेंगे। तो चरण 5, अब चरण 5 में हम सबसे पहले लिखेंगे कि यहाँ जो हमें शेषफल प्राप्त हो रहा है कि यहाँ शेषफल 124 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर जो हमें शेषफल प्राप्त हो रहा है वो 124 प्राप्त हो रहा है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे 148 और 124, इसलिए हम 148 और 124 की संख्याओं को लेंगे और लिखेंगे कि 148 और 124 पर यूक्लिड प्रेमिका का प्रयोग करके यूक्लिड प्रेमिका का प्रयोग करके प्राप्त करते हैं। तो ये जो चरण होते हैं ये जब तक हम करते हैं जब तक कि हमें ये शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि 124 का भाग 148 में देंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि 124 का भाग ये 148 में देंगे, जो कि एक ही बार जाएगा। तो ये हो गया 124 से कम 124, जैसे अब हम घटाएंगे तो ये 8 में से 4 गए तो ये 4, या 4 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा शेष ये 2, और 1 में से गया तो 0। तो हमारा जो शेषफल निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, 24 निकल के आ रहा है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो अब हम इसे भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल के रूप में ही जमा देते हैं कि भाज्य हो गया हमारा ये 148 बराबर भाजक हो गया ये 124 गुणा भागफल हो गया ये 1, और प्लस शेषफल, शेषफल कितना हो जाएगा हमें ये 24 प्राप्त हो रहा है। तो ये हो गया हमारा 148 बराबर 124 गुणा 1 प्लस 24। अब यहाँ पर भी हमें जो शेषफल 24 प्राप्त हो रहा है ये भी 0 के बराबर नहीं है। तो इसके लिए अब हम आगे वापस चरण 6 करेंगे, और ये जब तक करना है जब तक हमें ये शेषफल 0 प्राप्त ना हो जाए। तो अब आगे चरण 6, अब चरण 6 में सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ जो हमें शेषफल प्राप्त हुआ है कि यहाँ शेषफल 24 0 के बराबर नहीं है, कि हमें जो शेषफल प्राप्त हुआ वो 24 प्राप्त हुआ, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो इसीलिए हम 124, अब हम क्या करेंगे 124 और 24 को लेंगे, तो इसलिए हम 124 और 24 पर यूक्लिड प्रेमिका का प्रयोग करके यूक्लिड प्रेमिका का प्रयोग करके प्राप्त करते हैं, प्रयोग करके प्राप्त
करते हैं। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि 124 और 24 पर यूक्लिड प्रेमिका का प्रयोग करके प्राप्त करते हैं। तो अब हम 24 का भाग किसमें देंगे, 124 में देंगे। तो इधर हो गया ये हमारे पास 24 और इधर हो गया ये 124। अब जब हम 24 का भाग 124 में देंगे तो ये लगभग 5 बार जाएगा, तो ये हो गया 5 चुको 20 और ये 5 दूनी 10 और 2 हासिल के ये 12, तो ये चला गया 120 बार। और शेष कितना बच गया हमारे पास, ये 4। अब 4 हमारे पास शेष बचा है, तो ये भी 0 के बराबर नहीं है, इसलिए अभी एक और चरण हमें करना पड़ेगा। सबसे पहले तो अभी हमें सिलेक्ट के बता देते हैं कि भाज्य हो गया हमारा ये 124 बराबर 24 गुणा 5 प्लस शेष कितना हो गया, ये 4। कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के रूप में हमने इसे जमा दिया है, जहां जो शेषफल है वो 4 है। तो इसके लिए अब हम आगे चरण 7 करेंगे। तो हमने ये लिख दिया है ये चरण 7, और चरण 7 में अब हम लिखेंगे कि यहाँ जो हमें शेषफल प्राप्त हो रहा है कि यहाँ शेषफल 4 0 के बराबर नहीं है। अब जब हमें 0 मान मिल ही नहीं रहा, तो इसीलिए हम 24 और 4 इसलिए हम 24 और 4 पर यूक्लिड प्रेमिका का प्रयोग करके यूक्लिड प्रेमिका का प्रयोग करके प्राप्त करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि 4 का भाग किसमें देंगे, ये 24 में देंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि 4 का भाग 24 में दे रहे हैं। तो 4 का पहाड़ा जब हम 6 बार पढ़ते हैं, तो ये 6 चुको 24 या 4 6 24, तो जब हम इसे घटाएंगे तो ये शेषफल कितना आ जाएगा, हमें ये 0 प्राप्त हो जाएगा। तो इसे हम लिख देंगे कि भाज्य 24 बराबर भाजक 4 गुणा भागफल कितना हो गया, ये 6, और शेषफल हमें कितना प्राप्त हो रहा है, ये 0 प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पर जाके हमें ये 0 शेषफल प्राप्त हो रहा है, तो हमारा जो भाजक होता है ये 4, यही जो है हमारा SCF यानी कि आंसर कहलाएगा। तो यहाँ अब हम लिखेंगे कि यहाँ हमें शेषफल 0 प्राप्त हुआ है। कि यहाँ पर जो हमें शेषफल प्राप्त हुआ वो कैसे प्राप्त हुआ, ये 0 प्राप्त हुआ है। और नया भाजक तो नया भाजक हमें कितना प्राप्त हुआ है, ये 4 प्राप्त हुआ है। तो नया भाजक हमें ये 4 प्राप्त हुआ है, अतः 12,576 और 4,052 का SCF, अतः 12,576 और 4,052 का SCF बराबर 4 है, और यही 4 क्या कहलाएगा, हमारा आंसर कहलाएगा।